दोस्तों अगर आप एक SBI CSP है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आप कृपया वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जो बात बताने वाला हूँ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। मैं एक AEPS विड्रॉल कर रहा हूँ। ये जो AEPS विड्रॉल कर रहा हूँ ये मैंने अकाउंट खोला था इंस्टेंट अकाउंट और मैंने RBI पे फॉर्म भेजा था। वहाँ जाने के बाद ये अकाउंट को रिजेक्ट कर दिया गया या तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन मैं जो है अभी इसका विड्रॉल कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ। इसमें मैं 500 रुपये विड्रॉल डाल के अभी मैंने वेरीफाई पे डाला, आई एग्री पे डाला, कस्टमर का फिंगर आएगा तो उसी प्रोसेस के अनुसार मैं ये पूरा जो प्रक्रिया है ये करते जाऊँगा और आपको दिखाते जाऊँगा। आप कृपया वीडियो में बने रहे कि जो अकाउंट रिजेक्ट हुआ है उसका पैसा विड्रॉल हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं भी आपको बताऊँगा। लेकिन आप वीडियो देखते जाइए, हो सकता है जो पुराने CSP है या तो जिनके पास ये सब प्रॉब्लम हुआ है उनको ये पता है ये कैसे हो रहा है, लेकिन जो नया CSP है उनको ये पता नहीं। वो भी उनको तो पता है कि यहाँ अकाउंट रिजेक्ट हो गया, मैंने RBI पे भेजा था फॉर्म तो उसके बाद में रिजेक्ट हो गया, कस्टमर को रिजेक्ट बोल के वापस कर दिया। मैं इतना बताना चाहता हूँ अकाउंट रिजेक्ट मतलब आपके यहाँ पे अगर शुरुआत में रिजेक्ट होता है, आपने प्री चेक फेल हुआ है आपके पास या तो कुछ एरर आया, तब नहीं होगा। अकाउंट जब इंस्टेंट अकाउंट जब सब फुल्ली सबमिट हो जाता है, आपके पास फॉर्म प्रिंट आउट हो जाता है, उसके बाद इस फॉर्म को जो है आप आगे कंटिन्यू कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। लेकिन आपको मैं अभी यही बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रॉपर इसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद मैंने फॉर्म प्रिंट आउट किया और RBI पे भेजा भी था। हफ्ता दिन तक RBI पे रहा, उसके बाद में ये रिजेक्ट आया और इनिशियल डिपॉजिट जो है वो भी अभी तक मेरे जो SBI अदर सर्विसेज पे टाइम आउट पे जो आता है पैसा अकाउंट रिजेक्ट होने के बाद वहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये मैं निकाला नहीं अभी तक। लेकिन कस्टमर का मैं AEPS के ज़रिए विड्रॉल भी आपको करके दिखा रहा हूँ। एक कस्टमर आया था मेरे पास कल, तो मैंने बोला ठीक है आप पैसा जमा करके जाइए, तो उन्होंने 500 रुपये जमा किया था, जमा तो हो गया मनी ट्रांसफ़र पे जाकर, लेकिन विड्रॉल के जब टाइम आता है तभी हमको चेक करना था कि ये विड्रॉल होगा कि नहीं। तो इसीलिए आज मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। तो लाइव के इसमें विड्रॉल हो रहा है, इंस्टेंट अकाउंट है ये, रिजेक्ट हो गया था और AEPS के ज़रिए मैं विड्रॉल कर रहा हूँ और विड्रॉल पूरा सक्सेस भी होगा ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी एक अकाउंट मैंने ऐसा सर्विस दिया था। तो मैं सोचा अगर नेक्स्ट ऐसा मेरे पास, ये सेकंड नंबर है जो मेरे पास रिजेक्ट हुआ है, तो मैं सोचा आपको वीडियो बना के दिखा दूँ। तो अभी हमने लास्ट कंफर्म बटन पे क्लिक किया तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, देखिए जो विड्रॉल जो है वो सक्सेस हो गया है, प्रॉपर 500 रुपीस विड्रॉल हुआ है। तो ये रिजेक्ट अकाउंट है। अगर आपको भी इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, आपको हमारे इंस्टाग्राम ID मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक ID भी मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको जो है वहाँ पे सब कुछ सारी बातें बता दूंगा। तो वीडियो कैसा रहा, वीडियो अगर अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह SBI CSP रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।